ईरान ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली और ये पता लगाया कि उस पर हमला करने वाले कौन थे। सवाल ये है कि ईरान का फिर मुजरिम कौन है, सवाल अभी तक ये था। और आज आपको बताने वाला हूँ कि ईरान ने आधिकारिक तौर पर किसको अपना मुजरिम करार दिया है। इसमें कुर्दिश और फॉरेन एजेंसियों का नाम शामिल है। ईरान ने बयान दिया है कि फॉरेन एजेंसियां हैं, लेकिन उन फॉरेन एजेंसियों का लिंक किससे है ईरान ने ये नहीं बताया। और कुर्दिश लोगों का साफ नाम लिया है कि कुर्दिश लड़ाकों और कुर्दिश ग्रुप का इस्तेमाल किया गया है और इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके वो ड्रोन इराक की तरफ से ईरान के अंदर घुसे थे। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन हो गई है, ईरान ने खुलकर किसी देश का नाम नहीं दिया है, लेकिन एक्सपर्ट सीधा बता रहे हैं कि मोसाद है। सवाल ये है कि ईरान सीधा इसराइल को निशाने पर क्यों नहीं ले रहा है। सवाल ये है कि मोसाद का नाम ईरान क्यों नहीं ले रहा है। एक तरफ इस बात से ऐसा लग रहा है कि ईरान को डर है या डर गया है ईरान, दूसरी तरफ यूके अलग ही उल्टा ईरान से डर रहा है। यूके ने नया स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और डराने वाली बात है कि ईरान की परमाणु ताकत काफ़ी मजबूत है और ईरान का जो न्यूक्लियर प्लान है वो पूरी दुनिया के लिए, इंटरनेशनल पीस के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके बाद रशिया ईरान के समर्थन में भी आया, क्योंकि एक दिन पहले ही अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि ईरान को न्यूक्लियर हासिल नहीं होना चाहिए, इसके लिए तमाम ऑप्शन हमारे टेबल पर मौजूद हैं। इसके बाद रूस इसके समर्थन में आया ईरान के, और इस अमेरिका के बयान के खिलाफ बयान जारी करते हुए कहा, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने कहा कि ऐसे बयान से जो अमेरिका ने दिया है, एस्केलेशन यानी टकराव और एक नए जंग की शुरुआत हो सकती है, ये इलाके के माहौल को ख़राब करने वाली बात है और बयान है। उधर आजरबाईजान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। जी हाँ, आजरबाईजान की जो एम्बेसी ईरान में है उस पर हमला हुआ और अभी तक आजरबाईजान गुस्से में है। अब आजरबाईजान ने ईरान से कहा है कि आप जिसने ये गोलीबारी करी है उसको जल्द से जल्द सजा दें, और आजरबाईजान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि ईरान में हुए इस कांड पर आप सभी निंदा करें। वहीं आजरबाईजान का गुस्सा इस कदर बड़ा हुआ है कि कल मैंने आपको बताया था कि 7 ईरानियों को गिरफ्तार किया है जो कि ईरान के लिए आजरबाईजान में रहकर जासूसी कर रहे थे। अब ताज़ा आंकड़े ये हैं कि लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार किया है आजरबाईजान ने खुद, जो आजरबाईजान में रहकर ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। उधर ईरान के लिए एक बड़ी मुसीबत ये हो गई है कि समुद्र के इलाके में फ्रांस ने एक ईरान के कार्गो शिप को जब्त किया जिसके अंदर लाखों की तादाद में राइफल और हथियार थे जो कि ईरान यमन के हौथीस को भिजवा रहा था। वहीं ईरान कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है या हमलों से बचने की तैयारी कर रहा है नहीं पता। ब्राज़ील के इलाके में ईरान की 2 वॉरशिप यानी 2 युद्धपोत नज़र आए हैं। अमेरिका ने इसे ट्रैक किया है और कहा जा रहा है कि ईरान इस इलाके में अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा कि हमने काफ़ी करीब से ईरान के इन युद्धपोत पर नज़र बना के रखी हुई है और जिस क्षेत्र में ईरान यहाँ पर मौजूद है हमारे लड़ाकू विमान समेत हम भी युद्धपोत के साथ उसी इलाके में मौजूद हैं। उधर इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चाड, जी हाँ, चाड जो है ये मुस्लिम देश माना जाता है, लेकिन सिर्फ यहाँ मुसलमानों की आबादी 52% है, बाकी ईसाइयत यहाँ ज़्यादा है। वहाँ के प्रेसिडेंट नेतन्याहू से मिलने के लिए पहुँचे हैं और जल्द दोनों ही देशों के बीच में नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। चाड ने ऐलान किया है कि वो भी इसराइल के अंदर अपना दूतावास खोलेगा। उधर नेतन्याहू ने बड़ी बात कही। नेतन्याहू ने कहा कि हमारी प्रायोरिटी ये है, हमें सबसे पहले काम ये करना है कि फिलिस्तीन से नॉर्मलाइजेशन करने से पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा अरब देशों के साथ नॉर्मलाइजेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अरब देशों के साथ हाथ मिलाना है। बड़ी खबर ये भी आ रही है कि नेतन्याहू फ्रांस पहुंचने वाले हैं
और इमैनुअल मैक्रोन से मिलकर ईरान के मुद्दों पर बात करेंगे। बात करें फिलिस्तीन की तो फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी मीटिंग करी है। टॉपिक ये था कि किस प्रकार से यहूदी सरकार को रोका जाए जिस तरह से वो लगातार रोज़ के रोज़ फिलिस्तीनियों को कत्ल कर रहे हैं। इसी मीटिंग में ये भी महमूद अब्बास के द्वारा कहा गया कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन जो आए थे उनके दौरे से कोई भी फायदा नहीं हुआ है। साथ ही फिलिस्तीन में रोज़ की तरह यहूदियों ने कई जेरूशलम में मुसलमानों के फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ डाला है। ये काम रोज़ का है, रोज़ मकान इसी तरह से तोड़े जा रहे हैं, रोज़ किसी ना किसी का कत्ल किया जा रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि तुर्की के बेस पर इराक में 8 रॉकेट बैक टू बैक आकर गिरते हैं। बड़ा हमला था, जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है और अभी तक पता नहीं चला कि यह हमला किसने किया। दोस्तों बता दूं कि इसमें जो एयरबेस था वो ज़्यादातर तबाह हो गया है और एक इराकी कॉन्ट्रैक्टर था वो बुरी तरह से घायल है। मारे जाने की खबर फिलहाल तक नहीं है। इसके अलावा बात अगर तुर्की की हो रही है तो तुर्की के बारे में बताना ज़रूरी है कि तुर्की अमेरिका के ऊपर बुरी तरह से भड़क गया है और अमेरिका को आड़े हाथ लेते हुए तुर्की ने कहा है कि अब अमेरिका जो है बैलेंस नहीं चल रहा है, वो नाइंसाफ़ी कर रहा है, वो एक तरफा चल रहा है क्योंकि हमें F-16 और F-35 देने को मना कर दिया लेकिन ग्रीस को F-35 विमान दे दिया है। उसके बाद तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान ने स्वीडन को धमकी देते हुए कहा है और सीधी और साफ बात कह दी है कि स्वीडन को तब तक नेटो में शामिल होने नहीं देंगे जब तक स्वीडन की सरकार कुरान पाक को जलाने के लिए माफ़ी नहीं मांगती और बैन नहीं कर देती कि कुरान जलाना हमारे देश में अलाउ नहीं है। उधर चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम गल्फ देशों के साथ जो है काफ़ी करीबी रिश्ते चाहते हैं और जल्द से जल्द उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं और फ्री ट्रेड करना चाहते हैं जिस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा। वहीं दोस्तों लगभग एक हफ्ते से कम ज़्यादा ही हो चुका है और फ्रांस में आज भी प्रदर्शन चल रहे हैं पेंशन को लेकर, गरीबी को लेकर और कई तरह के मुद्दों को लेकर। फ्रांस की जनता सड़कों पर ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिए, कमेंट कीजिए ज़रूर और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस लाल बटन को दबा के तोड़ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।